यहाँ पे घुसा है? ये सुबह 5 बजे सुबह पाँच बजे से लेके भरना चालू हुआ और पूरा भर गया। अंदर लाइट आ रही है क्या स्थिति अगर आप बता? अभी काट दी लाइट। अच्छा। अभी काट दी लाइट। कितना अंदर क्या घरों में? नहीं, यहाँ तक भर गया सर। घर के अंदर भी गया? घर के अंदर भी गया। गाड़ियाँ डूब गई हैं, जितनी गाड़ियाँ देख रहे सारी डूब गई हैं। बिना लाइट के, बिना बेसिक सुविधाओं की, क्योंकि क्योंकि आ भी नहीं सकती यहाँ पे गाड़ियाँ, कैसे सरवाइव करेंगे आप? सर देखिए, अब तो हमारा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ है, क्योंकि हमारी वोल्टी सब डाउन हो गए, इन्वर्टर बैटरियाँ सब डूब गई हैं। अब जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा जब तक क्या करेंगे? निकालेंगे, नए लाएंगे सारा कुछ। आपको लगता है ये स्थिति जो है अभी दिल्ली में वो जल्द से जल्द सॉल्व होती हुई आपको दिखाई पड़ रही है? ऐसा कुछ नहीं, अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है, दिल्ली के यातायात पर नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईटीओ से राजघाट जाने वाले रास्ते पर है। मैं आपको अपनी स्थिति दिखाकर समझा सकता हूं कि यहां घुटनों तक पानी पहुंच गया है और इस हिस्से पर बिल्कुल गाड़ी नहीं निकल रही। आप देखिए, एक किनारे से जहां पानी की मात्रा कम है, पानी का गहराई कम है, वहां से बाइक और जो दूसरे वाहन है वो निकल रहे हैं। लेकिन यहां आप तस्वीर देखिए, इस पूरे पैच पर इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरफ, उस लेन पर जो रास्ता कश्मीरी गेट से इधर आईटीओ की तरफ आता है, इस लेन पर ये दरअसल पानी भरा हुआ है रिंग रोड पर। और एक बार मेरे कैमरा पर्सन पुजारी जी आपको दिखाएंगे, विपिन पुजारी जी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंदिरा गांधी स्टेडियम की जो एक लेन है वहां पर भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। तो ये वो स्थिति है अब जो यातायात को प्रभावित कर सकती है। आईटीओ के आसपास अगर यातायात प्रभावित हो सकता है तो आप समझिए कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। और स्थिति यहाँ पर पानी की देख लीजिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है, बहुत ज्यादा पानी है। अब वो इलाके जो ऐसे इलाके हैं, निचले इलाकों में तो पानी पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन जो सड़कों के इलाके हैं वहां पर भी पानी आ रहा है। ऐसे कौन से इलाके वो आपको बता देते हैं। एक ये पॉइंट है इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास, हम जहां मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के पास, यमुना बैंक के पास, मयूर विहार, यमुना बाजार, रिंग रोड का एक हिस्सा कश्मीरी गेट के पास, मॉनेस्ट्री मार्केट, ये ऐसे वो तमाम इलाके हैं जहां इसी तरह से पानी अब भरा हुआ है। तो वो स्थिति अब बहुत खराब हो रही है। और यमुना का जो जल स्तर है वो ऑल टाइम हाई है, मतलब अपने इतिहास में सबसे ऊपरी जल स्तर पर यमुना बह रही है। 208 का जो आंकड़ा है, 208 मीटर का, वो क्रॉस कर गई है। कल 45 साल का रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ा था। और अब जो यमुना का जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, मतलब वो बढ़ने पर ही है, अभी डाउन ट्रेंड नजर नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी दिल्ली का संकट टला नहीं है, क्योंकि लगातार पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति अब दिल्ली की सड़कों की नजर आ रही है।
चलो चलो।